आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। इसी बीच 24 आवर्स टुडे न्यूज हरदोई के संवाददाता ने चुनावी हाल जानने के लिए हरदोई सदर सीट के कुछ युवाओं से की खास बातचीत। बातचीत में युवाओं ने क्या बताया, देखें पूरी खबर। हरदोई से रवि लाला की रिपोर्ट। जहां एक तरफ यूपी चुनाव का चौथा चरण आ गया है और आज से चुनाव प्रचार भी थम गया है, इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त हम मौजूद हैं सदर विधानसभा सीट हरदोई में, और हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो अब इनसे हम बात करेंगे ये किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं या कहां अपना वोट करेंगे। तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे अनुज मिश्रा के पास और इनसे पूछेंगे किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और आगे क्या इनकी रणनीति रहेगी। नहीं, आप किसका समर्थन? बीजेपी। आखिर बीजेपी को जो आप समर्थन करना चाहते हैं वो किन मुद्दों पे, क्या उन्होंने किया है जिससे आप उनका समर्थन करना चाहते हैं? बहुत खूबियाँ हैं, बहुत स्वार्थी लोग होते होंगे जो खा पी के भूल जाते हैं। अच्छा, नहीं तो उन्होंने क्या खिलाया आपको? ऐसा बहुत कुछ खिलाया, जैसे राम मंदिर दे दिया हमको, देखो कितना बड़ा, कितनी हम लोग हिंदू के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत एक मानवता की बात है ना। अच्छा अच्छा, 370 धारा, तीन तलाक, ये कितने कई काम ऐसे कर दिए जो मतलब माने जाने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम पहुंचते हैं ये हमारे, आपका नाम क्या है? सुमित सिंह। सुमित सिंह, आप बताइए आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं इस समय? बीजेपी। बीजेपी, वो क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा आपको क्या लग रहा है जिससे बीजेपी को आप समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है आपके साथ? बीजेपी से मुझे फ़ायदा मिलती है, हमारे 2000 रुपये खाते में आते हैं और बाकी गल्ला मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, तो आप भाजपा के समर्थक हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम पहुंचते हैं शेखर सिंह के साथ और ये बताएंगे किसका समर्थन करते हैं? बीजेपी। बीजेपी का, तो किन मुद्दों, मतलब आपको ऐसा क्या लग रहा है बीजेपी को आप समर्थन करना चाहते हैं, वोट देंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडा राज खत्म हुआ है और ये 2000 रुपये आते हैं, हर किसान भाइयों को 2000 रुपये मिलते हैं और क्या बोलते हैं, राशन मिलता है। गरीब आदमी बहुत ऐसा पड़ा हुआ है जिसके घर पे जो है खाने को दाना नहीं है, तो उनको महीने में 2 बार राशन मिलता है, रिफाइंड मिलता है, चने मिलते हैं, और किस सरकार ने ऐसा दे दिया है बताओ। चलिए चलिए, ठीक है। तो अब वही तो सपा सरकार बोले 300 यूनिट हम बिजली फ्री कर देंगे। अरे बिजली बिजली फ्री करने से क्या होता है? चलिए, वो तो सब ऐसे ही कहते हैं हम। ठीक है, अब हम पहुंच रहे हैं कि अब हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो अब इनसे बात करते हैं किसका समर्थन कर रहे हैं। अब बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बीजेपी का समर्थन? ये सरकार सब कुछ कर रही है इसीलिए कर रहा है। अच्छा, तो आपके यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका क्या नाम है? हमारे यहाँ से प्रसून सिंह हैं। बीजेपी जो है आपके यहाँ, वो उनका क्या नाम है? नितिन भैया। नितिन भैया, चलिए अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ये सभी लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और ये इनका बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे बीजेपी। अच्छा अच्छा, बीजेपी को पूर्ण बहुमत से विजय होगी और हराने वाला 300 के ऊपर सीटें निकलेंगी बीजेपी की। अच्छा, अब ये बाबा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएंगे कि आप किसके साथ में हैं और क्या? अरे जो राम नाम का मुद्दा था वो खत्म होके राम मंदिर बन गया, हम तो राम भक्त हैं, पूरी दुनिया राम भक्त है, तो राम को तो वोट देना ही देना है, इसीलिए वोट दिया जाएगा मोदी। ठीक, और अब हमारे ये एक व्यक्ति हैं, युवा ही हैं, अब इनसे बात करते हैं कि क्या नाम है और किसका समर्थन कर रहे हैं आप, पहले अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम रोहित सिंह है। जी, समर्थन तो हम बीजेपी का करेंगे, इसलिए क्योंकि जो है प्रदेश में प्रदेश अपना प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, बिल्कुल जो है गल्ला मिल रहा है हम लोगों का, और उसके बाद में जनधन अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, वृद्धावस्था वाली मम्मी जी की पेंशन भी बनी है, मतलब सारी सुविधाओं से हम लोग लैस हैं, बिल्कुल पूरी मदद करेंगे बीजेपी के और पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। अच्छा, तो अब हमारे साथ ये मौजूद हैं, इनका नाम पूछते हैं और इनसे बात करेंगे। अभी शायद इनका वोट नहीं है, लेकिन ये अपना समर्थन किसको कर रहे हैं? आज इन्होंने एक रैली भी निकाली है, किसकी निकाली है, अब इन्हीं से हम जानकारी करते हैं। अपना नाम बताइए पहले। बिभू सिंह। बिभू सिंह, आप किसके समर्थन में और क्यों हैं? हम नितिन भैया के समर्थक में हैं। तो नितिन भैया, आपके जो नितिन भैया हैं वो किसके किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बीजेपी। उन्होंने बहुत कुछ किया है,
अच्छा, आज तक भी कोई दिक्कत हुई हमारा तुरंत काम हुआ है, 24 घंटा उनका दरवाजा खुला रहता है। ठीक है, तो अब नितिन अग्रवाल जी के साथ में आप हैं, ठीक है।